आप सभी का हमारे लेसन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस बहुत भयंकर रूप से 100 से अधिक देशों में फैल चुका है। 9000 के आसपास लोगों की मरने की संभावनाएं सामने आई हैं तथा 2,00,000 से अधिक लोग इस भयानक बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बीच हमारा देश हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिससे कि हम इस कोरोना वायरस को रोक सके और इससे संक्रमित लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में और जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। दोस्तों, इसके बीच में अभी आपने हाल ही में न्यूज पर सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू का लगाई जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हर एक अफवाहों को तथा इकोनॉमिक लॉकडाउन की बातों को इनकार करते हुए नरेंद्र मोदी ने लोगों को चीजों को खरीदने की होड़ को खत्म करते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। तो सबसे बड़ी सवाल हमारे यह बनता है कि जनता कर्फ्यू होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि जनता कर्फ्यू क्या है, जनता कर्फ्यू से बचने के लिए हम क्या वो अथक प्रयास कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, वो बहुत ही चर्चित विषय है अभी तत्कालिक समय में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनता कर्फ्यू क्या है। देखिए, जनता कर्फ्यू जनता के द्वारा ही लगाया गया एक तरह का कर्फ्यू है। इसमें जनता का जनता से संपर्क टूट जाता है। इस कर्फ्यू के अंदर क्या होता है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलेगा। हाल ही में कल के दिन 22 मार्च सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जनता कर्फ्यू नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐलान किया गया है और लगाएगा। हमें इसके बीच क्या करना चाहिए, इस जनता कर्फ्यू को पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन के साथ हमें इसको मानना चाहिए। असल में होगा क्या, जनता कर्फ्यू के द्वारा जो कोविड-19 है, जिन लोगों को ये कोविड-19 और संक्रमित वायरस, जिसको हम कोरोना वायरस जानते हैं, ये हो चुका है, वो लोग बाजार, शॉपिंग मॉल और भी मार्केट में, इन सब जगहों पर जाकर के और भी अपने साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को संक्रमित कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब लोग अपने निवास स्थान पर, अपने घर पर सुबह 7 से 9 बजे तक रहेंगे, इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि किस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति इस महामारी से, इस कोरोना वायरस से संक्रमित है। उसके बाद हम उसके इलाज के लिए तत्पर प्रयास किए जाएंगे और जो लोग संक्रमित नहीं है वो सेफ रहे और इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ, हमारी सारी प्राइवेसी निरंतर चलती रहे। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। साथ ही कर्फ्यू के दौरान पुलिस की गाड़ियां, पुलिस गलियों में पेट्रोलिंग करेंगी। उस पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है बाहर, तो पुलिस उसको घर के अंदर जाने के लिए कह सकती है। तो दोस्तों, मैं अब ये आशा करता हूं कि आप जनता कर्फ्यू के बारे में समझ चुके होंगे और इसका क्या उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में है, आपको ये भी एक विस्तृत रूप से समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भी जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे कि अवेयरनेस बहुत अधिक फैल सके हमारे देश में और हमारे देश में कोरोना वायरस जैसे संक्रमित बीमारियों को लड़ने के लिए हम सब सहयोग दे सकें। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए और इसी तरह के अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे लेसन कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।